عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ إمر بغير حق लियो हम हजर निगरामी सिलसिला हदीस सहिया में आज की हदीस नंबर है सात सौ सत्तर पर आठ और उसके अलावा इमाम बुखारी ने सही बुखारी में और इमाम तबरानी और बकीी ने इस हदीस को जिक्र किया है रावी हदीस हज़रत इबन अब्बास रदी अल्लाह तुम फ़रमाते हैं कि के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीन तरह के लोग अल्लाह के पास लोगों में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं लोगों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा लोग अल्लाह के पास तीन तरह के हैं ये अल्लाह को बहुत ही मोज़ है अल्लाह इनसे नफरत करता है अल्लाह इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है अल्लाह के पास बहुत ही मबूस है ये ये तीन तरह के लोग कौन हैं पहला फिल हरम, हरम की बेहरमती करने वाला हरम की बेहरमती करने वाला अल्लाह ताला ने दो इलाके को मोहतरम करार दिया है एक है हरम मक्की और दूसरा है हरम मदनी हरम मक्की मक्के में काबे के अतराफ व अकनाफ में कुछ इलाका कुछ एरिया जिसको कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम की ज़बानी मोहतरम करार दिया इब्राहीम ने अल्लाह ताली से दुआ किए और अल्लाह ताली ने इब्राहीम की दुआ के नतीजे में हरम मक् को महतरम करार दिया और आखिरी नबी महमद्लाम ने मदीने के बारे में दुआ की तो अल्लाह तो ताली ने उनकी दुआ पर हरम मदनी को महतरम करार दिया और ये दोनों अम्बिया अल्लाह के पास सबसे चहीते हैं इन दोनों का मुकाम सारे अम्बिया में ऊँचा है इसीलिए दरूद में भी कहा गया अल्लाह मबारिक अला महमद वली महमद का मैता अला इब्राहिम वाला अली इब्राहिम वहाँ पर भी इब्राहिम के हवाले से कहा गया और इब्राहिम आसमाम कि मिल्लत की पैरवी करने का हुक्म सारी दुनिया वालों को दिया गया और सारी दुनिया वालों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाने के लिए कहा गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हो तो इब्राहिम को बनाओ जैसे कि हमने गुज्ता महीने में मिल्लत इब्राहिमी के हवाले से बहुत सारी बातें सुनी हैं हर साल सुनते हैं सुनना भी चाहिए हक रखते हैं तो ये दो हदूद हरम हैं हरम का मतलब होता है महतरम इलाका हरमत वाला इलाका और हरम हराम से भी है चंद काम वहां करना हराम है जैसे हदूद हरम में जानवर को मारना दरख्त को काटना और बहुत सारे काम हैं जिनको हराम करार दिया गया तो इसको हराम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस इलाके में बाज काम करना हराम है और हराम एक माना ये भी है मोहतरम के माने में भी है तो दोनों माने के अतबार से हराम है जैसे हम लोग नमाज में शुरू में जो ठहरते तकबीर इसको क्या बोलते हैं तकबीर तहरीमा वो ये हराम से ही तहरीमा क्या मतलब है ये तकबीर हराम है नहीं ये तकबीर बाज चीजों को हराम करने वाली है अब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधने से पहले बहुत सारे काम कर सकते थे हाँ आपको लाइट डालना है कर सकते बातचीत करना कर सकते बहुत सारे हलाल काम कर सकते थे अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांध दिए तो अब बहुत सारे हलाल काम भी आपके लिए हराम हो गया इसलिए कहते हैं हराम तो हदूद हरम में कोई इंसान उसकी बेहरमती करे हदूद हरम की बेहरमती क्या है कि जिन कामों को हदूद हरम में करने के लिए मना किया गया वो काम करें तो उसकी बेहरमती हुई हदूद हरम में नबी ने फरमाया जो आदमी हदूद हरम में बिदा तो खुराफात का इरादा करेगा अल्लाह ताला उसको ऐसे पिघला देगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है सही हदीस है ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कुछ लोग हरम में जाके हरम के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं बड़े बदनसीब है ये। बदनसीब हैं जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं जहां पहुंचने के लिए लोग बेताब रहते हैं और वहां पहुंचकर कहते हैं कि ये इमाम के पीछे हमारी नमाज नहीं होगी सुबह अल्लाह कितनी बड़ी बात है अलग से नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं और हज के अयाम में हाजी चाहे वो मीना का रहने वाला ही क्यों ना हो जब वो यह बांध के मीना के टेंट में जाएगा उसको दो ही रकात नमाज पढ़ना है मिला के पढ़ना है लेकिन यहां इतने दूर से जाते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका से और यहां से जाने वाले कहते हैं कि नहीं हमें तो चार रकात पढ़ना है अपने अपने वक्त पे पढ़ना है ये इमाम दो रकात पढ़ाते हैं और जमा करके कसर करते इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना है सब बेहरमती है खुद हरम में सब बेहरमती हो रही है हदूद हरम में जाके आप जो है शिर का काम करें बिदात का, का काम करें खुराफात अंजाम दें गैर शर्ी काम करें यह हदूद हरम की बेहरमती है हदूद हरम में एक तो गलत काम गुना का काम दूसरी जगह पर भी गलत है हदूद हरम में आदमी कोई चोरी करें कोई किसी को गाली गुलोच करें हदूद हरम में इंसान नमाज छोड़ें हरम में रहते हुए हदूद हरम में रहते हुए इंसान कोई हराम काम का इरतकाम करें तो जाहिर सी बात उसका गुना ज्यादा होगा कि नहीं होगा अरे यहां रहकर भी तुम ये काम कर रहे हो तो कहते कि नहीं कहते तो यही मामला है कि हदूद हरम की बेहरमती करने वाले से अल्लाह बड़ा नाराज़ होता है अल्लाह नापसंद करता है उसको बिल्कुल अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता है मबूज इंसान होता है हम सोचते हैं कि हम हज उमरे के लिए गए अब दूध के धुले हो गए पहली बात हज मबरूर है या नहीं अल्लाह के पास कबूल हुआ कि नहीं हुआ उम्र अल्लाह के पास कबूल हुआ या वहां जाके भी अल्लाह के नापसंदीदा बंदा बन गए अब गदुलनास लोगों में नापसंदीदा दूसरा वो मुबतगिन फिल इस्लाम अल जाहिलिया इस्लाम में जमाने जाहिलियत की बातों को खुरेदने वाले तलाश करने वाले ढूंढने वाले इस पे अगर रोशनी डाली जाए बात बहुत दूर तक जाएगी घंटों उसकी वजाहत हो सकती है ज़माने जाहिलियत की बातें क्या क्या हैं ज़माने जाहिलियत की सुन्नतें क्या क्या है अब सुन्नत से मुराद अब तो नबी की सुन्नत नहीं है ये सुन्नतुल जाहिलिया है ये सुन्नत तरीक़ा ज़माने जाहिलियत के तरीक़ों को जो इस्लाम में ढूंढे तो कहा कि अल्लाह के पास नापसंदीदा है ये अब ये मैं आपको सरसरी बता देता हूं जमाने जाहिलियत में सबसे पहले शिरक था कुफर था खुराफा थे असबियत थी हर धर्मी थी जिद आना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला था शराब नोशी जिना चोरी डकेती रहजनी हर तरह के खून खराबा आज बताओ मैं तो कहता हूं कि ये जदीद लेटेस्ट जमाने जाहिलियत है ये वो जमाने जाहिलियत में जो जो काम करते थे आज वो सारे काम हो रहे हैं वो सारे काम आज हो रहे हैं और याद रखो नबी ने खुद फरमाया एक जमाना आएगा कि तुम जमाने जाहिलियत से निकल के आए हो फिर उसी जमाने जाहिलियत की तरफ लौट के जाओगे आज देखो जमाने जाहलीत की हर बात है फिर नबी सलम ने जहां पर भी महसूस किए कि ये जाहिलियत की कोई बात खुखुरेद रहा है अल्लाह के रसूल ने फौरन उस पर कदगन लगा दी खानदानी असबियत इलाकाई असबियत ये जमाने जाहिलियत की बात थी उन मजलूमा अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो मेरा भाई है अगर वो जालिम भी है तब भी उसी का साथ दो क्यों इसलिए कि मेरे बिरादरी का आदमी है मेरी पार्टी का आदमी है हा? मेरे इलाके का आदमी है मेरे खानदान का है अब उसके साथ खुन माफ है और अगर दूसरे खानदान दूसरे पार्टी दूसरे बिरादरी का कोई करें आप उसके तो रत्ती को हत्ती बनाया जाए हा यह जमान जाहलीत का तरीका है फैर नबी वसल्लम ने कहा कि देखो जमान जाहलियत की हर चीज को मैंने पैर तले रौंद दिया दफन कर दिया है इनको ढूंढो मत सूद सूदी कारोबार जमान जाहलियत का तरीका है नबी ने उनको दफन किया है कहा कि देखो गाली गुलोच दो साहब आपस में लड़ पड़े गाली गुलोच कर दिए नबी ने फरमाया तुम्हारे अंदर जमाने जाहिलियत की अभी तक खूब बाकी है इन नकैमर उनफी का जाहिलियत, जाहिलियत बाकी है ये जाहिलियत है एक मौके पर यहूद ने दो कबीलों को औसो खजरज को लड़ाया और एक मौके पर अनसार और महाजरीन को लड़ाया इन्होंने कहा या लल अलसार इन्होंने कहा या लल महाजरीन दोनों तलवारें सोच लिए किस बुनियाद पर इलाकाई और खानदानी असबियत की बुनियाद पर नबी ने कहा दाऊहा पीना मुंतना ये जमाने जाहिलियत का तरीका है गंदा है ये असबियत ये छोड़ो इलाकाई खानदानी असबियत बुग्स नफरत हसद ये सब छोड़ो क्यों ये जमाने जात का तरीका है ऐसे आदमी अल्लाह के पास बड़ा नापसंदीदा है तो ज़माने जाहिलियत किन बातों को खूरे दे नबी ने क्या फरमाया हसब नसब में तान करना मेरी उम्मत में तीन चीजें ज़माने जाहिलियत की पाई जाएगी नबी ने फरमाया नहीं फरमाया एक मरने के बाद नौहा मातम करना नौहा मातम करना दूसरी बात कहा कि देखो आदमी हसब नसब के एतबार से एक दूसरे को लान तान करेंगे हसब नसब की बुनियाद पर लान तान और इलाका असबियत ये सब जमाने जाहिलियत का तरीका है और तीसरी चीज सितारे और सैारों से फाल लेना या बारिश तलब करना फुला सितारा निकला है बारिश होगी कितने मुसलमान है कहते हैं आज वो नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता हूं आज फुला रात्रि है आज अमावस है आज पूर्णिमा है फुला है आज बारिश होगी मुसलमान कहते हैं आज घर से बाहर नहीं निकलना ड्यूटी को नहीं जाना क्यों आज इसलिए कि महाफुला है मुसलमानों के पास है ज़माने जाहिलियत की देखो हर चीज मैंने कहा ना अगर इस ज़माने जाहिलियत की अगर तशरी करूं बहुत दूर तक बात जाएगी अहले इल्म ने किताब ही लिख डाली है कि ज़माने जाहिलियत के रस्म रवाज जो आज मुसलमानों में हैं खुरद रहे हैं बाकायदा किताब में पढ़ना चाहिए उमर उलजाहियान अनह जिनसे अल्लाह के रसूल ने रोका है कदगन लगाई है और आज हमारे अंदर वो धर आ रहे हैं इन चीज़ों को हमें दूर करना है अल्लाह के पास वरना बड़े नापसंदीदा बंदे हम हो जाएंगे जमाने जाहलीत के ये चीज़ों को खरीदने वाला इस्लाम में आने के बाद फिर तुम और तीसरी और आखिरी बात मतलब दम इमर इम बैर हक वजह किसी का हक किसी का ना हक खून बहाना किसी का ना खून बहाना ये जमाने जाहिलियत का तरीका मैंने बताया ना और ये भी इसमें अंदर आए कि अल्लाह ताला ऐसे आदमी को नापसंद करता है जो खामा खामे किसी का खून बहा दे एक इंसान की बड़ी कदर है अल्लाह के पास यह नहीं कहा कि मुसलमान दमिमरी किसी भी इंसान का नाह कत्ल करने वाला अल्लाह तला उसको नापसंद करता है नापसंद करता है देखो अकबर इंसान कि अल्लाह ने इतनी कदर कीमत रखी है आपको पता है कि इंसान की एक दांत की कीमत कितनी है शरी अतबार से अगर कोई इंसान किसी इंसान का एक दांत तोड़ दे तो उसको एक दांत के बदले में दस ऊँट देना पड़ेगा एक दांत की कीमत भाई अल्लाह अकबर सोचें इंसान एक इंसान के बदले में सौ ऊँट देना पड़ेगा और उस जमाने में ऊंट का मतलब अगर मैं आज के लेटेस्ट अंदाज में समझाऊं तो उस जमाने में सबसे पसंदीदा सवारी क्या थी ऊंट, घोड़ा आज सबसे पसंदीदा सवारी क्या है बोलो कार में जरा नाम भी बोलिए महंगे कार आ, मुझे तो पता नहीं आप लोगों को पता होना चाहिए कोई फिरारी बोले कोई मर्सिडीज बेंस बोले कोई ऑडी बोले कोई कुछ और बोले हमारे पास तो ऐसे हैं अब पता नहीं बाहर में और क्या क्या कार हैं करोड़ों के हाँ? तो सौ ऐसे कार की कीमत है एक इंसान की जान की कीमत सौ देना पड़ेगा ऊंट अब बताओ एक इंसान की कितनी कीमत है ये इस्लाम की खूबियों को जरा दूसरों को भी बताया करो भाई कि इस्लाम ने इंसान की कितनी कदर कीमत की रखी है और तुम तो एक जानवर के बदले में लाखों इंसानों का मुसलमानों का कत्ले आम करते हो हाँ? एक इंसान के बदले में अल्लाह ने कितना बड़ा उसका फिदिया रखा है अल्लाह अकबर ये इस्लाम की ख़ूबियाँ मेरे भाई हो बात वो दूर तक जा सकती तशरी करें तो लेकिन वक्त हो रहा है अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको उन कई सुनी बातों पर अमल की तोफ़ी कदा ता फ़रमाएँ ताला हमें इन मबूष चीज़ों से महफूज रखे आमीन सुबान अहमदी अल्लाह तक फ़्रोकत वो भी लग वीना महमद